गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स, वी आर अगेन बैक विद द नेक्स्ट चैप्टर। टुडे इज 19 जनवरी 2022, समीराज ऑफुल लंच, चैप्टर नंबर 15, पेज नंबर 121। जस्ट फर्स्ट रीड द चैप्टर थॉरली। समीरा नेवर एट हर लंच, टू हर नूडल्स लुक द वॉर्म्स लाइक वॉर्म्स, उपमा वॉज लाइक वेट सैंड एंड इडलीज And at least tasted like mud. Today she had brinjal curry and paratha in her lunch. Oh! Samira made a face when she opened her tiffin box. Shutting her tiffin box with a bang, Samira went to the school courtyard. A row of ants crawling around the wall said, Samira, why aren't you eating your lunch like all other children? Samira said, I don't like parathas, I don't like vegetables, I don't want any lunch. Of course, one cannot eat vegetables, the ants agreed. They offered her the wing of a cockroach that they were carefully caring. So today, students, we are going to read and explain the chapter number 15, Samira's Awful Lunch. Before passing this chapter, read every line carefully and listen everything carefully. If you have already taken out your book, so be careful while you are listening to the video. Samira never ate her lunch. Samira kabhi apna lunch nahin kiya. Samira ne kabhi apna lunch nahin kiya. Why? Aisa kyun? Aap apna lunch roz kijiye. Lunch nahin karenge to padhenge kaise? चूहा नूडल्स लुक्ड लाइक वॉर्म्स, उसके लिए नूडल्स तो आप लोग जानते हैं खाने में होता है, नूडल्स उसके लिए क्या लगता था? वॉर्म्स, कीड़ा लगता था। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि ये देखो नूडल्स कैसा लग रहा है, बहुत हमारे दादी दादा कहते हैं, दादी दादा को अच्छा नहीं लगता। उपमा वॉज लाइक वेट सैंड, उपमा उसके लिए कैसा लगता था? वेट। Tasted like mud. Today she had brinjal curry and paratha in her lunch. आज उसके लंच में क्या था? ब्रिंजल की कड़ी थी एंड पराठा इन हर लंच, और लंच था। Samira made a face when she opened her tiffin box. करते करते उसने क्या किया, अपना जब लंच खोला तो उसने ऐसा फेस बनाया, एकदम गंदा सा मुंह। Shutting her tiffin box with a bang, Samira went to the school courtyard. Samira school के courtyard में चली गई, school के मैदान में चली गई। क्या करते हुए? करके ही चली गई। अपना टिफिन बॉक्स कस के बंद किया, कस के बंद करने की आवाज आई और उसको बंद करके भाग गई। A row of ants crawling along the wall said, A row of ants. Ants means चींटियों की एक कतार। Crawling along the wall, जो कि दीवार पर चढ़ रही थी। A row of ants crawling along the wall. चींटियों की कतार जो दीवार पे चढ़ रही थी। उन लोगों ने कहा, क्योंकि चींटियां हमेशा क्या रहती हैं, कतार में ही रहती हैं, जब ढेर सारी चलती हैं तो उनकी लाइन एक इंच भी इधर से उधर नहीं होती। समीरा, व्हाई आरंट यू ईटिंग योर लंच लाइक ऑल अदर चिल्ड्रन, जैसे कि सभी बच्चे लंच कर रहे हैं, आप भी उनकी तरह लंच क्यों नहीं कर रहे हो अपना? समीरा सेड, फिर समीरा कहती है, आई डोंट लाइक पराठा, मुझे पराठा नहीं पसंद है। I don't like vegetables, मुझे vegetables नहीं पसंद है।
आई डोंट वॉन्ट एनी लंच, मुझे कोई भी लंच नहीं पसंद है। देखिए स्टूडेंट्स, बच्चों, आपके लिए कोई भी लंच भी करना ज़रूरी है, क्योंकि एवरी वेजिटेबल हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। सब वेजिटेबल्स, वीट, फ्लोर में अपनी अपनी ताकत होती है, जो आपको सब मिलके जब आप खाना मिला हुआ खाते हैं तो उसमें क्या रहता है, सबकी मिली हुई ताकत रहती है। उसको जब आप खाएंगे तो ही आपको ताकत मिलेगी पढ़ने की, बोलने की, दौड़ने की, खेलने की, ये सब की ताकत मिलेगी। ठीक है, आप लोग को ऐसी कोई भी सब्जी ना हो कि आप लोग मना करें। ईट एवरीथिंग। ऑफ कोर्स वन कैन नॉट ईट वेजिटेबल्स, द आंट्स अग्रीड। चींटियों ने ये मान लिया कि हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग ये ना खाते हों, वेजिटेबल्स पसंद ना करते हों। दे ऑफर्ड हर द विंग ऑफ अ कॉकरोच। चींटियों ने कॉकरोच के पंख को ऑफर किया। किसको ऑफर किया? समीरा को, कि तुम ये खाओगी, क्योंकि जो कि वो केयरफुली लेके जा रहे थे, कहें कि चलो इससे पूछने ये खाएगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, टर्न ओवर द पेज, पेज नंबर 122। नाउ ट्राई दिस, इट इज रियली डिलीशियस, दे सेड। ओ नो, आई डोंट वॉन्ट एनी हॉरिबल कॉकरोचेस, सेड समीरा एंड रैन अवे टू द बिग पीपल ट्री। A crow cawing above called, "Hello, Samira, why aren't you eating your lunch?" Samira said, "I don't like parathas, I don't like vegetables, I don't want any lunch." Now try this. पिछले वाले पेज में, पिछली पेज में क्या कहा चीटियों ने कि तुम ये खाओगी, कॉकरोच का पंख है, खाओगी। देखो यहाँ पे लिख जा रहे हैं ना, ये देखो, ये समीरा है, ये आंट्स हैं, और ये कॉकरोच का क्या है, पंख है। चींटियों के लिए वो डिलीशियस फूड है। डिलीशियस मीन्स जायकेदार, एकदम स्वादिष्ट, जिसको खाते ही या देखते ही मुंह में पानी आ जाए। नाउ ट्राई दिस, दिस इज, इट इज रियली डिलीशियस। चीटियों ने कहा कि ये बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही स्वादिष्ट है, इसको खाओगी तुम? दे सेड, उन्होंने कहा, ओ नो, समीरा कहती है ओ नो, जब हम किसी को कुछ कहते हैं अगर वो मना करे तो क्या कहता है, ओ नो, आई डोंट वॉन्ट एनी हॉरिबल कॉकरोचेस, मुझे ये खतरनाक कॉकरोच का पंख वंख नहीं चाहिए भाई, समीरा ने ऐसा कहा। एंड रन अवे टू द बिग पीपल ट्री, और पीपल ट्री की तरफ भाग गई, पीपल के पेड़ की तरफ भाग गए दौड़ते हुए। अ क्रो कॉविंग अबाउ, उस पेड़ पे कौवे बैठे थे और वो काव काव कर रहे थे। कॉविंग मीन्स कौवे की आवाज, जैसे कि पीजन की होती है गुटरगू वाली, हम लोग सुनते हैं, वैसे ही कौवे की भी होती है। अबव कॉल्ड, पेड़ पे सब बैठे थे तो उन्होंने क्या कहा, हेलो समीरा, व्हाई आरंट यू ईटिंग योर लंच, आप अपना लंच क्यों नहीं कर रही हैं? समीरा ने कहा, आई डोंट लाइक पराठास, मुझे पराठा नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल्स नहीं पसंद है। आई डोंट वॉन्ट एनी लंच, मुझे कोई भी लंच नहीं पसंद है। तो यहाँ पे तो हम लोग जान लिए कि समीरा को अभी कुछ भी नहीं पसंद है, लेकिन वो कैसे पसंद करने लगती है फिर से, उसको क्या क्या अच्छा लगने लगता है, अब हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, इन अ नेक्स्ट क्लास, बी on your time and listen to the video carefully while you're watching, and take out your book while you're watching the video. Okay, for the time, thank you.